किरदार है इस मूवी का आपको? बहुत क्या दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मनोज और उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं, आज है 14 अप्रैल और आज रिलीज होने वाली है KGF Chapter 2। तो इस मूवी को देखने अपने दोस्तों के साथ हम जा रहे हैं आकाश मॉल पे और आज की जो बुकिंग है वो लगभग फुल हो चुकी है और इससे अंदाजा लगता है कि KGF 2 बहुत ही ज्यादा उठने वाली है। तो कोई नहीं, वहां जाके देखते हैं कि लोगों का रिएक्शन कैसा मिलता है हमें वहां पर और कितनी भीड़ मिलती है। लेकिन हमने ऑनलाइन टिकट किए थे तो वहां पर सब टिकट सीटें बुक थी, तो उम्मीद करता हूं कि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा मिलेगी। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और डायरेक्ट आप सभी को वहां पर आकाश मॉल ले चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं आकाश मॉल और हमारे तीन दोस्त और आ रहे हैं, उनका इंतजार करते हैं, फिर चलते हैं एक साथ। ये हमारे पास 15 मिनट है। दोस्तों, आप लोगों ने बताया था कि भीड़ बहुत कम है, पर लेकिन ऐसा मत सुनना ना, क्योंकि आज जो जितने भी है ना सिनेमा हॉल, PVR, आईनॉक्स हुआ, गोल्ड हुआ, नटराज हुआ, वो सारे फुल है। तो आज जितनी भीड़ है शायद मैंने कभी भी नहीं देखी हुई, क्योंकि हमारी टिकट भी बड़ी मुश्किल से 8 जने की टिकट है। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ बनने लगी है। अब हमारे पास 5 ही मिनट बचे हैं तो हम जाने वाले हैं अब अंदर। तो मेरे पीछे कुछ दोस्त खड़े हैं, तो इनसे जब से ये मूवी का चैप्टर फर्स्ट आया ना, तब से इस मूवी का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। क्या सबसे बढ़िया तुमने बनाया? इसमें संजय दत्त भी है, रवीना टंडन है और यश तो ऐसे ही। यश कौन लगते हैं आपके एक्टर है? यश जी बोलो यार। हाँ यश जी, सुपर स्टार यश जी। हाँ सुपर स्टार यश जी, बहुत बढ़िया। इनका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा हमारा। तो बताइए, आपको कितने दिनों से इंतजार है इस मूवी का? बहुत दिनों से। दोस्तों, इंटरवल हो चुका है और जो मूवी है बहुत मजा है इसमें, एक्शन है, ड्रामा है और इमोशन भी है। Need to be strong every breath of, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost never at home. Need to be strong every breath of, cause I can't move on till I let go. और कैसे लगी? तो दोस्तों, फाइनली मूवी देख के हो गए फ्री और टाइम हो गया 10 बज चुके हैं और 45 पे आए थे। अच्छी मूवी थी, ड्रामा था, रोमांस था, एक्शन तो एक नंबर थे और स्टोरी बहुत अच्छी थी। तो अब चलते हैं, अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, ये मेरी लाइफ का फर्स्ट शो है जो इतना फुल होगा, मतलब नीचे की जो रो होती है ना वो भी फुल भरी हुई थी, मतलब इतनी फुल है, मतलब टिकट भी बहुत मुश्किल से हुए हमारे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।